हेलो नमस्कार जी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में उन एचटेट पास युवाओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। तकरीबन 1,00,000 प्रमाण पत्र टीजीटी पीजीटी पीआरटी के रद्द कर दिए गए हैं। भाई देखिएगा क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, वहीं आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा हरियाणा में शिक्षा व जॉब से संबंधित प्रत्येक जानकारी के लिए। आपको बता दें, अभ्यर्थियों के 1,00,000 एचटेट प्रमाण पत्र दिसंबर में हो जाएंगे रद्द। जी आपको बता दें, अभ्यर्थियों के 1,00,000 हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा दिसंबर में रद्द हो जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने साफ कर दिया है कि एचटेट प्रमाण पत्र की जो वैधता है उम्र भर करने के संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और यह 7 साल ही है। उधर हरियाणा पात्र अध्यापक प्रमाण पत्र की वैधता उम्र भर करने की मांग जोरों शोरों पर है, उठाई जा रही है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में पहले एचटेट की वैधता 5 साल थी। जून 2020 में केंद्र सरकार की ओर से जो सीटेट है उसकी वैधता 7 साल कर दी थी। हरियाणा में भी इसकी 7 साल हो गई थी भाई, ठीक है। यानी कि अभी 7 साल ही है उम्र भर, इसके लिए उम्र भर एचटेट नहीं किया है और अब इनके प्रमाण पत्र जो हैं वे रद्द कर दिए जाएंगे भाई। उसी के बाद आपको बता दें, एचटेट की जो नई है जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो एचटेट की अंतिम तिथि आज है और 28 से 30 सितंबर तक आप सुधार करवा सकते हैं। आने वाले 13 और 12 नवंबर को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा भाई, ठीक है। तो ये दो बड़ी खबरें थी। आपको कैसी लगी, सरकार का ये कदम कैसा रहा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।